इस वीडियो में हम समझेंगे साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स और फिल सेल्स के बारे में। आप सीट मेनू में देख सकते हैं साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स और फिल सेल। अब इसका कैसे काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हमने थ्योरी नोट्स में भी बताया हुआ है, लेकिन हो सकता है थ्योरी नोट्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि थ्योरेटिकल में कुछ चीज़ें समझाने में मुश्किल होता है। इस वजह से मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि आपको वो ऑप्शन प्रैक्टिकली तौर पर समझा सकें हम, ठीक है। तो पहला हमारा है यहाँ पर साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स, ठीक है। साइकिल सेल रेफरेंस टाइप में देखिए सेल रेफरेंस हमारा तीन तरह का होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। तो रिलेटिव जो हम लोग नॉर्मल काम करते हैं तो वो रिलेटिव होता है, जैसे मैं अगर हमको क्वांटिटी और रेट जो है प्राइस जो इसमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे इक्वल टू 3 × 5। अब जब हम इसको एंटर करके जब इसको हम ड्रैग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर B2 × C2 आ गया, और जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हमारा सब में वैसे ही आ गया, लेकिन सबका देखिए सेल जो सेल एड्रेस है वो अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर B6 × C6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए B5 × C5, तो सबका अलग अलग बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव कहलाता है। अब ऐसे ही अभी जैसे ये तो हमारा रो वाइज था, अभी कॉलम वाइज अगर करें तब भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम रैंडम कोई भी नंबर ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब हमको इसके नीचे कोई भी नंबर ऐसे मतलब जोड़ लेना है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल टू, और ऊपर का जो है सेल यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, चलिए। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखिए सब में अलग अलग सेल एड्रेस रहेगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबका अलग अलग, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका रिलेटिव था, जो डिफॉल्ट सेट होता है रिलेटिव सेट होता है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट की, ठीक है। एब्सोल्यूट देखिए अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है टोटल सेल्स वाला जो नंबर है हमारा वैल्यू है वो 10% से मल्टीप्लाई होकर हमारा रिजल्ट निकले, मतलब हमको किसी दूसरे सेल में कैलकुलेशन नहीं करना, सारे का सारा काम इसी पे करना है, जितने भी हमको काम करने हैं सारे के सारे 10% पे ही करने हैं। तो इस वजह से हम जो है 10% को मल्टीप्लाई करेंगे और 10% जो लिखा हुआ है इसको हम लॉक करके करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर कर देंगे इक्वल टू और टोटल सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इनटू का साइन लगाएंगे, और इनटू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे फिर डॉलर का सिंबल, ठीक है, डॉलर का सिंबल लगाएंगे। और देखिए हम दोनों लॉक कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, तो दोनों लॉक करने के लिए डॉलर का सिंबल लगाइए, फिर आप जो है कि अपने सेल का जो कॉलम नेम है वो लिख दीजिए, फिर डॉलर का सिंबल लगाइए, और जो रो की संख्या है हमारा 12 है तो 12 लिख देंगे। तो ये क्या होगा कि जब आप ड्रैग करेंगे तो ये लॉक रहेगा, मतलब ये मूव नहीं होगा अपनी जगह से, वो उसी जगह पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए सबका अलग अलग आया, लेकिन ये पीछे का देख रहे हैं सब में सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार डॉलर का सिंबल हटा के देख लेते हैं कॉलम रो वाले में से, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखिए 0 आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हम लॉक करके रखेंगे, नहीं तो हमारा मूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉलम हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो को हमको लॉक करना होगा जब हम रो वाइज काम करेंगे तब। अगर हम कॉलम वाइज काम करते हैं तो आपको कॉलम लॉक करना पड़ेगा, फिर रो नहीं लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये आ गया। अब देखिए हम इसमें कॉलम को लॉक नहीं किए हैं, लेकिन रो को लॉक किए हैं। अब हम इसको कॉलम वाइज करेंगे, तो यहाँ पर हमने ये कुछ रैंडम नंबर लिख लिया है, और यहाँ पर इक्वल टू जैसे 5 × 2, अब यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो 2 वाले में ही हम मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कॉलम को लॉक कर लेंगे, या कॉलम को अगर नहीं लॉक करते हैं या रो को लॉक कर लेते हैं, चलिए रो को लॉक करते हैं। अब इसको जब हम ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको ड्रैग करते हैं, तो ये देख रहे हैं रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम यहाँ से ये मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है, देख रहे हैं। मतलब कि ये रहना जरूरी है, अगर हम सिर्फ रो लॉक करेंगे तो रो ऐसे हो गया हमारा, ये रो है, ठीक है, कॉलम ये हो गया, तो हमारा जो है रो लॉक होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो 0 0 ही आएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये जो काम हो सारा का सारा वो 3 पे हो या 2 पे हो, लेकिन सब एक ही जगह पर फिक्स हो,
तो चलिए हम दो पर ही रख लेते हैं, यहाँ पर कर लेंगे इज इक्वल टू और 5 इंटू, अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा लॉक, क्या लॉक करना पड़ेगा, कॉलम, ठीक है ना। कॉलम लॉक करने के लिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर ए, फिर अगर हम चाहें तो रो भी लॉक कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ए टू, ध्यान रखिएगा बस इतना कि जब कॉलम पे काम कर रहे हों तो कॉलम लॉक करेंगे, रो पे कर रहे हैं तो रो लॉक करेंगे, लेकिन जब कॉलम और रो दोनों पे काम कर रहे हों तो उस दौरान जो है दोनों को लॉक करेंगे, तो डॉलर कॉलम नेम और डॉलर रो नेम, ठीक है, मतलब कि दोनों में आपको लगा देना है। अब इसको ड्रैग करेंगे, देखिए सबका रिजल्ट इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बदलाव कर लेते हैं तो भी देखिए इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। मतलब ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर कभी अभी भी कन्फ्यूज़न है, अभी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम, हाँ मिक्स्ड जो होता है, मिक्स्ड वाले में जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको इज इक्वल टू, मान लीजिए ये हम ऐसे रख लेते, कुछ है नहीं अभी लिखा हुआ, और ये ठीक है। तो ये जो हमारा है ये सिंपल है, अभी रिलेटिव में आएगा ये। अगर हम किसी एक में लगा देते हैं, जैसे यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, तो ये मिक्स्ड हो गया, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड कहलाता है, बस ये है इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें सीट में फिल सेल्स, फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन का काम होता है एक तरह से डुप्लीकेट करना, कॉपी करना, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला लगाए हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं फॉर्मूला से, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो नंबर भी कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिल सीट्स हाइड है और फिल सीरीज हाइड है। तो फिल डाउन कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, और चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम फिल डाउन यहाँ पर करेंगे, मतलब ये जो ऊपर का फॉर्मूला लगा है वो नीचे भी हमारा आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट उसका अलग आएगा। यहाँ पर सीट में आएंगे, फिल सेल में आएंगे और फिल डाउन कर देंगे। देखिए आगे इसका शॉर्टकट की कंट्रोल डी है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ये इसमें जो फिल लेफ्ट राइट वाला है ये सब, ठीक है। तो फिल राइट, अगर हमारा कोई नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, ठीक है, अब इसको हमको राइट साइड में कॉपी करना है, यहाँ पर कुछ करना नहीं हमें, बस यहाँ पर सीट में आएंगे और यहाँ पर फिल सेल और राइट, फिल राइट करेंगे तो इसमें का यहाँ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को ऊपर कॉपी करना है तो ऊपर कर देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आइए फिल अप, ठीक है। फिल डाउन, तो फिल डाउन तो भी हमने आपको बता दिया। फिल लेफ्ट, देखिए फिल लेफ्ट में यहाँ पर फिल लेफ्ट, तो ये कॉपी होके यहाँ आ गया। अब उसके बाद इसी में है आपका फिल सीट्स, फिल सीरीज। फिल सीट्स में क्या होता है कि ये हमारा कॉपी करता है, यानी कि अगर हम मान लीजिए सीट नंबर 2 में हमारा ये जो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि सीट नंबर 5 पे चला जाए, सीट नंबर 5 हमारा ब्लैंक है अभी, तो सीट नंबर 2 का डेटा हम सीट नंबर 5 पे ले जाना चाहते हैं, तो पहले तो हमको सीट नंबर 2 पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद सीट नंबर 5 पे क्लिक कर लेना है। दोनों पे क्लिक हो गया, अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कौन कौन से डेटा हमको चाहिए, हमको यहाँ से पूरा चाहिए डेटा। सेलेक्ट करने के बाद आ जाइए सीट में, फिल सेल में और फिल सीट्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर पेस्ट आल कर दीजिए अगर आपको सब चाहिए तो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा सिर्फ टेक्स्ट हो, नंबर हो, डेट टाइम हो, लेकिन फॉर्मूला ना हो, कमेंट्स ना हो, तो नहीं होगा, लेकिन अगर पेस्ट आल कर देंगे तो सब का सब आपका वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको जाना है सीट नंबर 5 पे, देखिए सीट नंबर 5 पे हमारा आ गया वही डेटा सेम, हम यहाँ पर कोई कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं, आप भी करिए समझ में आ जाएगा, आप प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीट यहाँ पर फिल सीरीज का, ठीक है। फिल सीरीज कैसे काम करता है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सीट नंबर 4 हमारा अभी ब्लैंक, इस पर हम आ जाते हैं। फिल सीरीज, अगर हम मान लीजिए कोई नंबर खुद से जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 1, 2, 10, ठीक है, ये हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं सीरीज में। सीरीज में ये पूछता है आपको डायरेक्शन किस साइड में जाना है, मतलब हमको ले जाना है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो डाउन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू कितने से स्टार्ट हो, तो हमारा स्टार्ट जो है 1 से हो, या 1 से या 2 से, जो भी करना चाहें, मान लीजिए मैं पर 2 रख लेते हैं, चलिए। और एंड वैल्यू 20, और यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना कितना का हो, 2 का हो, तो देखिए 2-2 का इंक्रीमेंट करके ये हमारा आ गया। अगर हम वही 1-1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 1-1 नंबर बढ़ेगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पर शो नहीं करेगा ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रख लेते हैं 1 और यहाँ पर रख लेते हैं 10, और इंक्रीमेंट सिर्फ 1-1 का हो तो ये 1-1 का ही इंक्रीमेंट करेगा। अब देखिए हम इस तरह से सिलेक्शन बना लेते हैं, चलिए, और इसी में आ जाते हैं वापस से। तो देखिए हमारा अब राइट और लेफ्ट शो करने लगा, हमको राइट साइड में जाना है। यहाँ पर लिख देंगे स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू बता देंगे, तो एंड वैल्यू के हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। अब हमने एक सिलेक्शन कम किया था, इस वजह से सिलेक्शन के अनुसार ही आया, ठीक है ना। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर डेट पे क्लिक कर लेते हैं और इसमें भी देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। चलिए डे हम ले लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू बता देते हैं कि हमारा जो है, चलिए आज का डेट डाल लेते हैं 6 और हमारा ये 12, चलिए 12 या 13 जुड़ू। इंक्रीमेंट हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया। तो इस तरह से भी हम नॉर्मली कर ही सकते हैं इसमें। उम्मीद है ये पूरा का पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है लास्ट में, इसमें जो है फिल रैंडम नंबर। फिल रैंडम नंबर, रैंडम तो समझ ही गए होंगे कि फिल रैंडम में मतलब क्या होगा, कि रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा। और इसमें आप बता सकते हैं कि जो आपका नंबर जनरेट हो वो किसके किसके बीच में जनरेट हो। अब यहाँ पर हम बता देंगे इसको मिनिमम नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 और मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पर कर लेते हैं 10। तो जब भी जनरेट होगा तो इसी के बीच में होगा, 5 और 10 के बीच में होगा। देखिए जितने बार हम अप्लाई करेंगे उतने बार आपको नंबर अलग अलग मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कैल्क के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे इसका हमने नोट्स बना के मतलब पब्लिश किया हुआ है, आप विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स में लगता है कि कुछ जगह पर हमसे गलती हो गई तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर ये गलती है, इसको सुधार करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।